What's up guys? आज हम देखेंगे पाकिस्तान की यूनिटी। भाईजान हम यूनाइट तो है ना, कमिंस ब्रो ड्रा हुआ है और सेकंड टेस्ट मैच के लिए भी बात होगी, तो क्या है पूरे मामले देखते हो। हर चीज की कंफर्मेशन भाईजान से चाहिए, भाईजान से चाहिए, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हो गई जल्दी आ जाओ, सुबह हो गई। आज सुबह क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। सुबह नमस्कार भाईजान। नमस्कार भाईजान, हम इंडिया वालों के टूथपेस्ट में नमक भी है, लेकिन इन भिखारियों के इन मंगतों की टीम में यूनिटी नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कैसे जीतनी है वो नहीं पता, यूनिटी कैसे लेके आनी है जब उसमें ही उलझे हुए हैं। पैट कमिंस की फटी पड़ी है ऋषभ पंत से, रोहित शर्मा मेरे गिरधारी लाल ने कह दिया वहीं रख दूं पीएसडी के वहीं रुका रहा हूं मैं, सोफा घायल हो गया है। ऐसे खुद्दू से टूर्नामेंट के लिए अपनी जान देने को तुले हुए ये और की। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आओ भाई लोगों, तुम कार्यकर्ताओं के लिए जान वान टाइप भी दे देंगे, जल्दी आओ जरा। मैं भी तेरा यार हूँ, जरा सा बेकरार हूँ, तू एक बारी अख तो मिला, छोड़ दे नहीं नहीं शुरू करें अभी अभी ये प्यार का जवान सिलसिला। कहां से आएगा? सुर भी बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, हर बार सुर बढ़िया लगता है भाईजान। देखिए बात कुछ इस तरीके से है। कैसे? कि मैं बहुत ही जरूरी काम से कल रात को सो गया था भाईजान। देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, कभी कभी जो हमारे सुबह वाले कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों को भी कुछ सरप्राइज देना चाहिए। ये बढ़िया है। तुम खुद बताओ रे, जितने भी भाई लोग रात को 9:30 बजे लाइव जुड़ते हैं, तुम ताजा ताजा वीडियो देख के जाते हो सारे। क्या सुबह वाले भाइयों का भी हक नहीं बनता वो ताजा ताजा वीडियो देखें? नहीं मतलब उनकी जिंदगी में हमेशा बांसी लाइव ही रखा है। गलत बात है भाई। अच्छा बात, मेरे को तो ये वाले विचार पहले आए ही नहीं थे। एक कार्यकर्ता ने याद दिलाया कि भैया ऐसा भी कर सकते हो, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। भाई देखो सच्चाई ये है, थोपड़ा इस टाइम पे खराब हो रखा है। हाँ शाम तक एकदम चिकना बन के आऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, कतई एकदम सपा सट करवा देंगे मामला। ठीक, बहुत सारे और भी काम हैं, आज रात को आउट ऑफ स्टेशन भी निकलना है। इस वीडियो बनाने का जो लब्बो लबाव है, जो मोटिव है, जो मकसद है, वो ये है कि मेरी बबरों ने अब यूनिटी का सारा ठेका उठा लिया। क्या बात है, मेरी बबरों कह रही है भैंस की आंख में लाऊंगी इस टीम में यूनिटी। क्या लगता है भाई लोगों, तुम लोगों को क्या बाबर इस टीम में यूनिटी ला पाएगा? घंटा नहीं, क्या मतलब कि नहीं ला पाएगा घंटा? नहीं भाई, ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा? ये वैसा साउंड नहीं कर रहा है। कुछ लुटेरों ने लूट कर दी, बाद में उन्हीं को केस सौंप दिया गया, कहा कि भाई तुम जो है ना तुम न्याय दिलवाओगे भाई। ये ऐसा साउंड कर रहा है भाई मेरे को। बाकी पाकिस्तान में तो विचित्र चीजें चलती रहती, लेकिन मेरे लिए जो बड़ी खुशी की बात है ना वो ये है भाई कि पैट कमिंस की मैंने पहली बार फटते हुए देखी है। ये उनकी चाल भी हो सकती है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, जेन्युइन तरीके से फटी है भाई, उन लोगों की जेन्युइन तरीके से फटी है। तो भाई लोगों बात अब ये है कि जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ सारे भाई लोग लाइक सब्सक्राइब करके, जो नए लोग हैं 2, 4, 5, 10 लोग कर दो यार, तुम शर्माया मत करो। ठीक है भाई, देखो रात मैंने रेस्ट कर लिया था पहली बार मैंने जिंदगी में। गुड मॉर्निंग भाई सब भाइयों को, सबसे पहले तो मैंने पहली बार जिंदगी में बिना किसी काम के कल छुट्टी कर ली। कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई बिजी नहीं था मैं, कुछ नहीं। मैंने कहा ट्राई करता हूँ यार कि बिना काम के छुट्टी कैसे ली जाती है। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे से रहा नहीं गया, खाना नहीं खाया गया, भैया आ जाओ दादी अम्मा का फर्ज कौन निभाएगा टाइप टाइप के मैसेज भी आए, बहुत सारे इमोशनल भी किया तुम लोगों ने। फिर मैंने कहा नहीं यार रात को तो ठीक नहीं लगेगा, फिर मैंने कहा सुबह सुबह वीडियो दे देते हैं। फिर मुझे लगा कि यार सुबह सुबह एक वीडियो दे देता हूँ अच्छी सी, मैंने कहा नहीं यार उसमें भी मजा नहीं आएगा, रूबरू होना पड़ेगा ना। रूबरू होना ठीक है कि वीडियो देना ठीक है? मुझे लग रहा है रूबरू होना ठीक है। रात को दोबारा 9:30 बजे दोबारा मिलेंगे, तो ये मत समझना कि अभी काम चला दूंगा, नहीं नहीं। ये तो एक्चुअली हुआ क्या है, तुमसे क्या छुपाना यार भाइयों, हुआ क्या है कि ये लाइव एक्चुअली 10-11 घंटे लेट चालू हुआ है, बस इतना ही फर्क है। 10 मिनट लेट होता था ना पहले, 10 मिनट 15 मिनट, तो ये 10-11 घंटे लेट चालू हुआ है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। सब लोग आ जाओ भाइयों, थैंक यू सो मच। देखो इस टाइम पे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता स्कूल में गए होंगे, बहुत सारे कॉलेज में गए होंगे, बहुत सारे बाथरूम में बैठ के अपना अपना ऐसे ऐसे करके हिला रहे होंगे, हाथ साबुन वगैरह लगा रहे होंगे, नहा रहे होंगे, तैयार हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब लोग जो है ना दोपहर के बाद वीडियो देख लेंगे। तो मैंने कहा यार रात तक जो है ना ज्यादा सुना सुना हो जाएगा, तो ये मेरे माइंड में था। चलो भाई लोगों अब जरा आगे बढ़ जाते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई लोगों आज बहुत ही एक प्राउड भरा दिन है, उसके लिए पहले जरा तालियां हो जाएं। तालियां नहीं भाई साहब, इंडिया का फ्लैग चलना चाहिए है कमेंट बॉक्स में। आज ही के दिन टीम इंडिया ने पहली बार भाई लोगों T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी 24 सितंबर 2007 को। कोई छोटा मोटा दिन नहीं है लोगों, 19 नवंबर को तुम इतना याद करते हो,
19 नवंबर को याद करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, अच्छी चीजें भी याद कर लिया करो। नहीं मतलब 24 सितंबर किसी को याद नहीं, ये तो भगवान भला करे बीसीसीआई का जिन्होंने पहली बार मेरे लाइव के ठीक टाइम से पहले पोस्ट डाल दी। देखो ना लाइव शुरू हुए को 5 मिनट हुआ, 6 मिनट पोस्ट डाल दी इन्होंने 15 मिनट पहले, कितना क्रांतिकारी काम किया भाई। तो भाई लोगों इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी 2007 में, और ये चेहरे देखो, ये टीम देखो, जोगिंदर शर्मा अभी ये अपना पुलिस में है, ठीक है पद मुझे पता नहीं है लेकिन हाँ मैंने वर्दी पहने में देखा इनको। ये देखो भाई साहब हरभजन सिंह स्पोर्ट्स यूनाइट्स अस एंड यूवी युवराज सिंह, अरे गिरधारी लाल खड़ा देखो कहाँ पे। एक बात बताऊं मैं, ये जो लड़के आज की डेट में कहते हैं ना अरे भाई हम तो बेंच पे बैठे हैं ये वो, एक कॉर्नर से लेके, एक कॉर्नर पे खड़े रहने से लेके बीच में आके ट्रॉफी को उठाना एज कैप्टन, उसके लिए बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है। सफर जैसे वो था ना लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे मैं ये कह रहा हूं बारी सबकी आएगी, लेकिन आएगी उसकी जो लाइन में लगा रहेगा, जो लाइन से हट जाएगा भाई उसकी उसकी जो बारी है ना वो कभी भी नहीं आ सकती, मतलब उसकी टर्न कभी भी नहीं आ सकती। मैं अगर लाइन में खड़ा हूं चाहे मेरे आगे 2 लाख लोग खड़े हों, जब तक मैं वहां से हिलूंगा नहीं ये तो तय है कि मेरी जो बारी है ना, मेरी जो टर्न है वो पक्का आएगी भाई, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है, और युवराज सिंह की तो भाई खास करके जो पारियां हैं वो तो जबरदस्त हैं। यूसुफ पठान दोनों भाई खड़े हैं, श्रीशांत, महेंद्र सिंह धोनी, धोनी भाई के फैंस हैं यहाँ पे, धोनी भाई क्रेडिट खाते हुए दिख रहे हैं तुम लोगों को। नहीं ये जो लिचड़पना करते हैं लोग, ये जो नीच हरकतें करते हैं मार्केट में, जो फैले हुए गंदी नाली के कीड़े, और मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं 2-3 एक्स क्रिकेटरों से भी जो कि महेंद्र सिंह धोनी को इस तरीके से बोलते हैं। दिख रहा है ना भाई आप लोगों को, महेंद्र सिंह धोनी क्रेडिट खा रहे हैं, वो इंसान दिख भी नहीं रहा है अच्छे से पिक्चर में, वो खड़ा है भाई पीछे बोरा, ये रहे महेंद्र सिंह धोनी, उथप्पा ने उथप्पा को ट्रॉफी दे रखी भाई, ऐसे ही मरी जाते हैं यार भाई कि ये हो गया वो हो गया। चलो जी ये तो बहुत बड़ा मोमेंट है भाई, बहुत बड़ा मोमेंट है। देखो भाई बात सुनो ध्यान से, मामला है सीरियस, ठीक है 2 घंटे का लाइव करेंगे, 10:10 तक लाइव करेंगे, ठीक है भाई 10:10 तक लाइव करेंगे, अभी 8:12 हो गए, ठीक है सुबह से आगे बढ़ते हैं आज तो भैया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पैट कमिंस की या ऑस्ट्रेलिया की, हाँ या ना करके बताना, चाहे एडम गिलक्रिस्ट हो चाहे नेथन लॉयन हो, वो तो बाबला ही हो गया था। मुझे तो लग रहा उसने गलत तेल की मालिश कर ली है भैंस की यहां दोपहर को धूप में बैठ के, और भी हैं 2-3। इस बारी विराट कोहली से ज्यादा इनकी फटी पड़ी है ऋषभ पंत से, आ गया भाई आ गया भाई आ गया भाई 650 दिनों के बाद भाई आ गया, आ गया शतक ही मारा सीधा। खौफ है, मैं तो खैर इस शतक से जज नहीं कर रहा हूं इसको, ऋषभ पंत को गलत बात है, ऋषभ पंत का ये टेस्ट फॉर्मेट है उसका अपना फॉर्मेट है भाई, वो मतलब आंख पे पट्टी बांध के खेल सकता है इस फॉर्मेट में, उससे जो मतलब नाराजगी है ना, और उसको खुद को भी नाराजगी होगी 100% से, वो है T20 से, 125, 126, 127 का स्ट्राइक रेट। नहीं, देखो ये पाकिस्तानियों की टीम के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन टीम में तो क्योंकि 150, 170, 180 के स्ट्राइक रेट वाले लड़के ही डिजर्व करते हैं भाई, खास करके जब फिनिश करना होता है मैच। हालांकि मैं इस स्ट्राइक रेट से भी, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने पारी खेली ना अभी 2024 में, भाई उसकी कोई उसका कोई क्रेडिट देता है भाई, नहीं देता ना उसका क्रेडिट, वो जो हारिस टेपिये के 3 लगातार चौके मारे हैं ना, मैं गारंटी करके कह रहा हूं मैंने उस टाइम पे अपनी डायरी में लिख लिया था ये हार और जीत का जो डिफरेंस है ना वो क्रिएट करेंगे ये 3 चौके। एक शायद उसने मारा था शायद डीप मिड विकेट के आसपास, एक स्लिप के ऊपर से गया था और एक उसने पीछे मार दिया था भाई जो वो गिरते पड़ते हुए मारता, तो वो 3 चौके बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो कई बार वो इंपैक्ट रह जाता है, वो इंपैक्ट याद रह जाता है। तो लेकिन यार ये पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना बाकी किसी से नहीं डर रही, वो ना तो हमारे बॉलर्स की बात कर रहे हैं ज्यादा, ना विराट कोहली की बात कर रहे हैं, ना रोहित शर्मा की उस लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का खुद पहली बार जाना है भाई एज कैप्टन, उधर गौतम गंभीर पहली बार जाएगा एज कोच, तो उनको उनके बारे में नहीं बोल रहे। ऋषभ पंत उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो एटीट्यूड है, वो सारी चीजें लेके भाई बहुत टेंशन। और मैं सच्ची बताऊं वैसे तो ये बड़े शैतान लोग हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन यार ये उनकी टेंशन ना बड़ी जेन्युइन दिख रही है इस बारी, तो भाई लोगों ये बहुत ही प्राउड की बात है। क्या लग रहा है ओरिजिनल है कि फेंक है साली, ओरिजिनल है कि फेंक है, क्या लगता है? ये जो सारी सारी की सारी बोल रहा था यार, ये जो सारी की सारी कन्वर्सेशन ये लोग कर रहे हैं, जो छोटे 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 इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या लग रहा है ये प्लानिंग है कि दिल से निकल रही है? मेरे को ये पैट कमिंस वाली तो दिल से लगी है भाई, ना 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 ना, देखो ये पैट कमिंस वाली दिल से, मैं सच्ची बता रहा हूं, उसका मैं रीजन देता हूं आपको, मैं रीजन देता हूं, देखो सुनो, वो हमेशा ना उस प्लेयर से ज्यादा डरते हैं
जो प्लेयर एक सेशन में ऐसी की तैसी कर दे बने बनाए मैच की। और मैं एक यहां पे बात बता दूं एज इंडियन, और मेरे से सारे एग्री करेंगे इस बात को लेके, भाई ऋषभ पंत इकलौता ऐसा प्लेयर है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे ना हम डरे हुए हैं हमारी फटी हुई है, मैं एक बात बता दूं, ऋषभ पंत जब तक खेल रहा है टेस्ट में दोनों टीमों की अलग अलग कारण से फटी पड़ी रहती है। हाँ या ना कर दो, दोनों टीमों की। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी कर रहा है हमारी टीम की टेंशन तो हर बॉल पे गया। अरे ऊपर नीचे बच गया। हमारी तो हर बॉल पे टेंशन रहती भाई हमें तो एज इंडियन। ऑस्ट्रेलिया वालों को तो फिर भी टेंशन 20 25 40 50 रन के बाद चालू होगी, हमारी तो पहली बॉल पे चालू हो जाती है। तो पंत इकलौता ऐसा प्लेयर है भाई जिस जो खेलते हुए दोनों टीमों की बराबर पड़ी रहती है। तो ये है भाई पंत तुम्हारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पाइजान। अरे यार भाई ये कैसे हैं यार ये भिखारी भाई। देखो सुनो, एक तो यार मैं पहले जिक्र कर दूं, वो यार श्रीलंका ने बड़ा जबरदस्त मैच जीता भाई, आउटस्टैंडिंग यार। वो शुरू होते ही खत्म हो गया। मैं कह के गया था तुम लोगों को, मैंने कहा यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, मैच देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो मैं गलती से थोड़ा सा बाथरूम में मेरे 2-1 मिनट ज्यादा लग गए, ठीक है होता है कई बार आदमी एक काम करने जाता है दो काम निपटाने लग जाता है। वो 3:30 ओवर में ही खत्म हो गया मैच, शुरू होते ही वो रचिन रविंद्रा भी आउट हो गया। और वो भाई देखो वैसे तो ये अच्छा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों की बांग्लादेश से फटी पड़ी है कि यार भाई बांग्लादेश ये बांग्लादेश वो, भाई बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के आ रही है। अगर कहीं न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया होता यहाँ वाले तो इनके तो नमूनिया हो जाता भाई, इनके ग्लूकोज चढ़ जाती, सच्ची बता रहा हूँ, खून की बोतलें चढ़ानी पड़ती इनको, ऐसे ऐसे नेगेटिव माइंडसेट बैठे हैं। लेकिन हम लोग बड़े लक्की हैं भाई कि जो हम हमारे कार्यकर्ता जो हैं बड़े क्रांतिकारी हैं भाई। गुड मॉर्निंग भाई सब भाइयों को, गुड मॉर्निंग भाई सब भाइयों को, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे भाई लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आदत नहीं है ना रूबरू होने की सुबह सुबह। कोई बात, एक भाई शुरू में पूछ रहा था भैया लाइव है कि रिकॉर्डेड है। इस आदमी को यूट्यूब के लाइव उसमें भी भरोसा नहीं है कि स्ट्रीम हो रहा है, इसको उसमें भी भरोसा नहीं है। अरे इतना भरोसा तो बबरी पे भी कर लेते हैं लोग, तू भाई यूट्यूब पे भी नहीं कर पा रहा, लाइव चल रहा है भाई। और क्या ये सुपर चैट भाई ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो में देके चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है यार, समझा करो। वो उस भाई का डाउट पता है जेन्युइन था, पूछो क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कई क्रिएटर्स हैं, जैसे एग्जांपल बीबी की वाइंस है, वो रिकॉर्डेड लाइव को वैसे कर देते हैं कई बार, वो शेड्यूल कर देते हैं, तो कई बार उनको लगता है कि वैसे हो रहा हो, लेकिन वहां पर प्रीमियर लिखा आ जाता है, लाइव पे नहीं आता ना। लेकिन कुछ लोग लाइव भी उसको प्ले कर देते हैं रिकॉर्ड करके, वैसे भी होता है। लेकिन भाई का तो वैसे बता देते हैं, चैट पढ़ रहे होते हैं हर एक चीज, जैसे गुड मॉर्निंग चल रही थी, गुड मॉर्निंग पढ़ दिया। और जो सुबह सुबह भी जो एनर्जी थी ना भाई, यहाँ हम जिम के लिए नहीं जा पाते, प्री रिकॉर्ड लेके मैं जिम करने जाता हूँ, हम तब भी ऐसा होता है सुनने से है, और यहाँ पर एनर्जी के साथ वही माहौल बना रखा था, वही एनर्जी, और मैं जाता। और कुछ पता क्या, कुछ लोग ऐसे जुड़ चुके हैं एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से कि वो सिर्फ क्रिकेट की न्यूज ही नहीं, वो एक वो माहौल बन जाता कि वो रोस्ट भी होगा, मस्ती मजाक भी होगा, दिन दुनिया खबरें भी आएंगी, भाई का एक अंदाज भी होगा। और देखो न्यूज के साथ साथ जो भाई का अंदाज है ना बात करने का, और जो माहौल बनाना, बीच में एकदम से हंसी लेके आना, वही चैट में किसी को पकड़ लेना, तो वो कुछ चीज होती है हर एक की बस की नहीं है, टू बी फ्रैंक। लाइव डे इन डे आउट रोज करना और उसी एनर्जी के साथ, जब कंटेंट ना हो, क्रिकेट ना हो रहा हो, तब भी, और फिर भी लोग जुड़े रहे, तो वो बताता कि आप में एक अलग ही टैलेंट है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, लोगों को एंटरटेन करने का। नो डाउट क्रिकेट की जो बातें वो बताते हैं वो भी इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, लेकिन वो बात भी सही होती है हर एक चीज। तो वो चीज होती है कि सबको ये लगता है कि भैया 3 घंटे लाइव हम भी कर लेंगे, हमारे भी नहीं, ऐसा तो बड़े बड़े धुरंधर पाकिस्तान के बैठे इंडिया में कहीं करते लाइव, लेकिन वॉचिंग अगर आप देखोगे ना, वॉचिंग हो या फिर लोगों का इंटरेस्ट हो, वो आता है। और सबसे ज्यादा रील्स भी क्रिकेट रिलेटेड ना भाई की ही वायरल होती है, अगर आप देखोगे ना इंस्टा पे भी हर जगह। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।